हेलो फ्रेंड्स, एक समय की बात है। गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते सभी थक से गए थे। अब उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, किंतु अगर विश्राम करते तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अधिक रात हो जाती, इसलिए वह लोग निरंतर चलते रहे। रास्ते में एक नाला आया जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार किया, किंतु गुरु जी का कमंडल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हुए। एक शिष्य गोपाल कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया। अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे, योजना बनाने लगे, आखिर यह कमंडल कैसे निकाला जाए। क्योंकि गुरु जी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था, उनकी सीख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर रहा है। अंत तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी काफी विचलित हुए। एक शिष्य मदन उठा और उसने नाले में हाथ लगाकर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था। तभी मदन ने अपने कपड़े संभालते हुए नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया और गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर कार्य किया। तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी आ पहुंचा। उसे अपनी गलती का आभास हो गया था। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और किसी भी संकट में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्तियों से कम लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। Thank you.